नमस्कार, मैं निरंजन सहाय, प्रोफेसर हिंदी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पाठ्यक्रम 503 ब्लॉक 1 इकाई 2 अर्थात भाषा और व्याकरण, मानक भाषा का संप्रत्यय विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी। नमस्कार। नमस्कार। आप सुप्रसिद्ध भाषाविद हैं, व्याकरण के गहरे जानकार हैं, संस्कृत भाषा पर भी आपका अधिकार है। आप मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट हाजीपुर वैशाली बिहार में प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। ज्ञानदेव जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस विषय पर बातचीत करते समय हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। आमतौर पर जब व्याकरण का नाम लिया जाता है तब हमारे मन में एक खौफ का वातावरण छा जाता है, ख़ास करके उन भाषाओं के संदर्भ में जो हमें नहीं आती है, और हम इस बात को लेकर ख़ास तौर पर चौकन्ने होते हैं कि व्याकरण का आखिर क्या किया जाए। और व्याकरण को लेकर अधिगम के रिश्ते भी अनेक तरह के हैं, यानी बहुत जटिल और संश्लिष्ट रिश्ते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप पहले यह बताइए कि व्याकरण आखिर है क्या। जी, भाषा और व्याकरण का जो रिश्ता है उसकी समझ बनाने के लिए आज हम लोग इस चर्चा में शामिल हुए हैं जी। और इसकी शुरुआत हम करते हैं व्याकरण की समझ बनाने से कि व्याकरण है क्या। जी, भाषा की नियमबद्धता को समझना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो भाषा बरतने या प्रयोग करने वाले प्राकृतिक रूप से समझ जाते हैं। प्राकृतिक रूप से समझ जाते हैं मतलब है कि यदि उसको रटने की आवश्यकता नहीं, आवश्यक नहीं कि आप किसी किताब से ही व्याकरण के नियम को पढ़ के व्याकरण को समझ सकते हैं या जान सकते हैं जी। बल्कि आपके परिवेश में जो भाषा है, जो उपलब्ध है, उसके व्याकरण को आप स्वतः पकड़ते हैं उसका प्रयोग करते हुए जी। लिखित रूप से नहीं कहा जा रहा है, लिखित रूप से भी हम समझते हैं वैसी भाषाओं के बारे में जिन भाषाओं से हम परिचित नहीं हैं, लेकिन वे भाषाएं जो हमारे जीवन जगत में शामिल हैं उन भाषाओं को समझने के लिए हमें अलग से प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। जब उस नियमबद्धता को अध्ययन की दुनिया का हिस्सा बनाते हैं जी, तब उसे व्याकरण कहते हैं। जी, अर्थात आपका यह कहना है कि बच्चे या बच्ची या समाज के विभिन्न लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि व्याकरण के शास्त्रीय रूप को जाने समझें। बिल्कुल, या लिखित रूप को जाने। जी, हाँ, शास्त्रीय से ज़्यादा आवश्यक ये कहना होगा कि लिखित रूप को जाने। जी, हाँ। अर्थात उसे मालूम नहीं है कि क्रिया विशेषण क्या है जी, लेकिन वह धीरे धीरे चल रहा है जी। चलना क्रिया में क्रिया विशेषण आराम से प्रयोग में लाता है। शास्त्रीय शब्दावली उसे नहीं मालूम है तब भी। जी, एक मुद्दा है क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इस मामले पर खूब माथापच्ची होती है, और ख़ास करके विद्यालयों में और विद्यार्थी संवाद के बीच में भी बार बार यह मुद्दा उठाया जाता है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। तो शुद्ध और अशुद्ध अवधारणा को व्याकरण के आलोक में विश्लेषित करने की कृपा कीजिए। असल निरंजन जी, व्याकरण का जो अवबोध है, व्याकरण की जो समझ है, उसके अंतर्गत ही हम इस बात की समझ बनाने में सक्षम हो पाएंगे कि शुद्ध और अशुद्ध का क्या चक्कर है। दरअसल भाषा का व्यावहारिक व्याकरणिक ज्ञान स्कूल आने के पहले बच्चे बच्ची को होता है। एक उदाहरण से हम इसको जान या समझ सकते हैं, जैसे भाई जाता है बहन जाती है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी सीखी हुई भाषा है, हम सब ध्यान रखें इसका, कि जो हमारी सीखी हुई भाषा है या भाषाएं हैं उस पर हमारे परिवेश की भाषा का प्रभाव दिखाई देता है जी। अभी जो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, यह मान लीजिए कि एक हिंदी जानने वाले बच्चे का या बच्ची का उदाहरण है जी। वह बिना व्याकरण की समझ बनाए ये कह सकता है या कह सकती है कि भाई जाता है बहन जाती है, यानी उसे पता है कि भाई पुल्लिंग के लिए जाता क्रिया का प्रयोग होता है जबकि बहन स्त्रीलिंग के लिए जाती का। अर्थात बच्चे बच्चियों को व्याकरण की व्यावहारिक जानकारी तो होती है पर उन्हें शास्त्रीय जानकारी नहीं होती, जैसा आपने पहले भी कहा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पद क्रियापद आदि की पारिभाषिक जानकारी नहीं होती, लेकिन ये उसके उपयोगकर्ता होते हैं। व्याकरण की समझ का आकलन इससे नहीं होता कि बच्चे बच्चियाँ
व्याकरण की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं में कितनी कुशलता रखते हैं। संज्ञा, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि व्याकरण की विभिन्न अवधारणाओं या पक्षों का प्रयोग हमेशा वाक्य या कहानी, कविता या अन्य पाठों के संदर्भ में होता है। कहना न होगा यह आवश्यक है कि वाक्य या पाठ के संदर्भ में व्याकरण के बिंदुओं को बच्चे बच्चियां पहचान सकें एवं संदर्भ में उनका इस्तेमाल कर सकें। मुख्य रूप से जो भाषा और व्याकरण का अधिगम के संदर्भ में जो रिश्ता बनता है वो यही है कि व्याकरण के बिंदुओं को बच्चे इस तरह से समझ सकें कि उसका उपयोग कर सकें जी। अब इसमें आप एक पहल जो स्कूल करता है आमतौर पर वो है शुद्धता और अशुद्धता की। कई बार हम शुद्ध और अशुद्ध के चक्कर में इतने फंस जाते हैं कि हम बच्चे बच्चियों के सीखने की जो गति है उसी को ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन व्याकरण शुद्धता और अशुद्धता का हिमायती है। उसकी ज़रूरत भी इसलिए ही है कि वो तय कर सके कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि शुद्धता या अशुद्धता की जो समझ किसी भी भाषा के संदर्भ में हमको व्याकरण से प्राप्त होती है उसकी उपयोगिता नहीं है जी। तो व्याकरण से प्राप्त इस उपयोगिता को यदि हम इस तरह से देखें कि शुद्ध या अशुद्ध की पहचान व्याकरण शिक्षण का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। उसका आधारभूत उद्देश्य है संप्रेषणीयता का विकास। यह व्याकरण का एक प्रमुख उद्देश्य है कि भाषा कितनी संप्रेषित हो रही है और आप में उस भाषा को संप्रेषित करने की कितनी शक्ति का विकास हो रहा है। अर्थात विशुद्ध व्याकरण नहीं, व्याकरण और रचना की ओर जाना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है जी। बहुत सुंदर बात आपने कही जी। और आपने इस बात की ओर इशारा किया कि कोई भी विद्यार्थी जब स्कूल में दाखिल होता है जी तब वह अपनी भाषा के व्याकरण से वह परिचित होता है और विद्यालय की जो भाषा है उसके व्याकरण से परिचित कराना विद्यालय की क्रियाओं में शामिल होता है जी। और जो आरंभिक कक्षाएं हैं यानी पहली, दूसरी, तीसरी तक हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुद्धता का खौफ बच्चे के दिलो दिमाग पर तारी न हो जाए। हाँ। वो उस पर बिल्कुल अपनी गिरफ्त में न ले ले जिससे बच्चे के स्वाभाविक विकास पर बाधा पड़े। आपने बिल्कुल सही कहा कि व्याकरण का मुद्दा जितना ज़रूरी है उससे कहीं भी कम या किसी भी मात्रा में यह मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है या महत्वपूर्ण है कि भाषा संप्रेषण का मुद्दा है। लेकिन व्याकरण की जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तब हमारे श्रोताओं को, पाठकों को यह दिलचस्पी हो सकती है कि वह इस बात को समझें कि आखिर भाषा की नियमबद्धता के विविध पहलू क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो यदि हम रचना के लक्ष्य को अपनी निगाह में नहीं रखेंगे तब उसका यह खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा कि शुद्धता और अशुद्धता के चक्कर में कक्षा में चुप्पी छा जाएगी और अशुद्ध होने के खतरे से कुंठा का माहौल बनेगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ और बातों को देखें जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने भाषा शिक्षण के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राय दी है। उसने कहा है कि भाषा तब सीखी जाती है जब वह भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जाती बल्कि सार्थक संदर्भों में जोड़कर उसे पढ़ाया जाता है। यानी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक है कि आप उसको संदर्भ से जोड़कर देखें। या भाषा बिना संदर्भ के नहीं हो सकती। एक तरह से यह निष्कर्ष इस वाक्य का हम यह भी निकाल सकते हैं कि भाषा को समझने के लिए संदर्भ का होना आवश्यक है। इसलिए भाषा अपने आप को किसी खास संदर्भ में ही व्याख्यायित कर पाती है या अर्थ दे पाती है। भाषा की नियमबद्धता जिसकी चर्चा अभी आपने की उसके विविध पहलू हैं जिसे हम जानें या हमें जानना चाहिए। हर भाषा, उसे बोली कहें या कोई और नाम दें, व्याकरण युक्त होती है जी जी। यानी उसका अपना एक व्याकरण होता है जी जी। वह व्याकरण विहीन नहीं होती। या आप नहीं कह सकते कि यह अमुक बोली है और इसके पास कोई व्याकरण नहीं है जी। यह मगही है या अंगिका है या अवधि है या ब्रज है तो इसके पास अपना कोई व्याकरण नहीं है जी जी। आप जिन्हें बोली कहते हैं या हम जिन्हें बोली मानने की, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि बोली मानने की भूल करते हैं, वे सब की सब भाषाएँ हैं और जिंदा समाज में बरती जाती हैं, बोली जाती हैं। इसलिए यदि बोलियाँ हैं तो सभी बोलियाँ हैं, अन्यथा सभी भाषाएँ हैं जी। क्योंकि इनके पास भी अपना व्याकरण है। तो व्याकरण, हर भाषा व्याकरण युक्त होती है। वह ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद के स्तर पर नियमबद्ध होती है।
इन चार को हमेशा भाषा शिक्षण के समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भाषा जिस नियम से आबद्ध है, जिस नियम से बंधी हुई है, उसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य और संवाद, ये विभिन्न स्तर की नियमबद्धताएं हैं जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस बात को हम हर स्तर और अलग अलग उदाहरणों से भी समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर हो। जैसे सबसे पहले हम ध्वनि संरचना की बात करते हैं। आजकल तो इसकी और भी महत्ता बढ़ गई है, जब से हमने अपनी लिपि बदल दी है तब से ध्वनि संरचना का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही हम दूसरी लिपि का प्रयोग अब करते हैं, हमारे सामने जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है या जिस लिपि को समझने लगा है, वहाँ उसके लिए हिंदी की ध्वनि संरचना जानना और भी जरूरी है। बहरहाल हम उस ध्वनि संरचना की बात करें जो सभी भाषाओं के लिए आवश्यक है। रोचक बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अर्थात यदि हम लोग जैसे मंगल फॉन्ट में ही काम किया जाता है या यूनिकोड में ही काम किया जाता है तो हमें ध्वनियों का पता हो तभी हम टाइप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। इसलिए भाषा के लिए ध्वनि संरचना बहुत आवश्यक है, और यह समझ लेने के बाद यह भी समझ बहुत साफ हो जाएगी कि आवश्यक नहीं कि एक भाषा सिर्फ एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। इसलिए ध्वनियों का जो महत्व है, आवश्यक नहीं कि हिंदी को हम सिर्फ देवनागरी में ही लिखें, हम आराम से रोमन में अब लिखने लगे हैं। इसलिए यह जो पुरानी किताबों में जो एक वाक्य लिखा हुआ है कि हर भाषा की एक लिपि होती है, तो अब मुझे लगता है कि इससे भी कहीं ना कहीं अब बाहर निकलने की आवश्यकता है। बहरहाल लोग ध्वनि संरचना को पहले समझने या जानने की कोशिश करें कि प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है। यह एक रोचक तथ्य है कि ध्वनि के कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो हर भाषा में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हर भाषा में स्वर और व्यंजन होते हैं जी, वे अनेक हो सकते हैं और बहुत कम भी। जैसे जो स्वर वर्ण हैं हिंदी में अधिक और अंग्रेजी में कम है जी, अंग्रेजी जी में सिर्फ 5 है। संसार में शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें 3 से कम स्वर हो जी, अधिक से अधिक 20 हो सकते हैं। तो इनकी एक तरह से सांख्यिकी के अनुसार हम कहेंगे कि 3 से 20 की आवृत्ति इनकी बनती है। व्यंजन 8 से 10 से लेकर 50 से 60 तक हो सकते हैं जी जी। आम भाषाओं में ध्वनियों की संख्या 40-50 तक होती है। बच्चे बच्ची भाषा सीखने में वर्णों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह समझना भी बहुत रोचक है कि बच्चे बच्ची वर्ण को नहीं जानते लेकिन वर्ण से बनने वाले शब्द से परिचित होते हैं जी जी। वे हो सकता है कि कौवा से परिचित हों, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, और से न परिचित हों। यह भी बढ़िया है कि कौवा एक ही साथ स्वर और व्यंजन के दोनों पहले वर्ण को साथ लेकर चलता है जी, क को भी और अ को भी जी। तो हो सकता है कि बच्चे बच्ची वर्ण को नहीं जानते लेकिन वर्ण से बनने वाले शब्द से परिचित होते हैं, वो शब्द जानता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, माता पिता, जाना आना। चूँकि वर्ण का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वर्ण का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इसलिए बच्चे बच्ची के लिए अरुचिकर होता है। कोई अर्थ ही नहीं है उसमें तो उसके लिए क्या मतलब रखता क्या, है क्यों उस उम्र में रखे? जब हम और आप भी या उस उम्र का कोई भी बच्चा बच्ची देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, अर्थ तलाशने में ज़्यादा विश्वास रखता है। वो हर चीज़ को एक आश्चर्य है उसके पास, उस नज़रिए से देखता है कि यह क्या यह क्या। अब उसमें उसके लिए महज क क्या है, विस्मय का पहलू है, विस्मय का। तो अ में कोई ऐसा विस्मय उसको दिख नहीं रहा। हाँ, उसकी प्रस्तुति का ढंग यदि ऐसा हो जाए कि उसमें भी कुछ विस्मय उसको नजर आए, कोई सवाल उसके मन में, अनार में दिख रहा है, अनार में दिख रहा है क्योंकि अनार है, अनार की उपलब्धता है, अनार है उसके पास, आम है, तो वे एकदम वर्णमाला को रटने से घबराते हैं। मतलब ऐसा यदि हम कर देते हैं कि एक बच्चा सोचिए संपूर्ण वाक्य संरचना लेके विद्यालय में जा दाखिल होता है जी जी, और दुनिया के बड़े भाषा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ये मान चुके हैं कि बच्चे अपनी मातृभाषा का सर्वाधिक 3 वर्ष की उम्र तक सीख चुके होते हैं। तो एक बच्चा जो पूर्ण भाषा लेके जा रहा है आपके विद्यालय में, अब उस हमारी जिद रहती है कि उसको अब अ आ ई से पढ़ाना शुरू करें, वह पूरी वाक्य संरचना लेके जाता है। आप जब गए होइएगा विद्यालय में पहली बार तो आपसे पूछा होगा आपके शिक्षक ने कि आपका नाम क्या है, तो आपने थोड़ी कहा होगा कि मैं कर मेर कर रा मेरा न कर नाम नाम, ऐसा तो कहा नहीं होगा जी नहीं। आपने कहा होगा अपनी मातृभाषा में ही, मान लीजिए आपकी मातृभाषा भोजपुरी है तो आपने कहा होगा कि हमार नाम निरंजन सहाय हो जी। तो आप एक भाषा की पूरी वाक्य संरचना लेके गए थे, और यहाँ हम वर्णों को रटाने लगते हैं। तो यही जो नीरस
वातावरण बनता है रटाई को लेके, वह बच्चों के लिए एक नीरस कार्य हो जाता है। यदि वह मनोयोग से क ख ग घ ङ जैसे वर्ण सीख लेता है तो इससे बहुत कम सार्थक शब्द बन पाते हैं। मान लीजिए सीख भी गया तो बहुत कम सार्थक शब्द वो बना पाएगा। वर्णों का सार्थक प्रयोग तभी संभव है जब हम उनसे बनने वाले शब्दों से परिचित होते हैं। यानी पहले उनको, बच्चों को शब्दों की उस दुनिया में हम घूमने टहलने दें और वहाँ से वर्णों को चुनना सिखाएं या वर्णों को सीखना सिखाएं, तो मुझे लगता है कि यह जो अरुचिकर व्यवस्था है वो थोड़ी रुचिकर हो जाएगी। यह तभी संभव है जब हम भाषा विशेष के विभिन्न शब्दों से परिचित होने की प्रक्रिया को शब्दों वाक्यों द्वारा समझें। अनेक बार चित्र और उससे संबंधित शब्द को देखने के बाद उस शब्द का चित्र विद्यार्थियों के मानस पटल पर गहरे रूप में अंकित हो जाता है। जब जब उस शब्द का चित्र विद्यार्थियों के स्मरण संसार से व्यवहारिक जगत में उतरता है तब तब वह शब्द और उसमें निहित वर्ण भी याद आ जाते हैं। जी, यह यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, जो हमने जान लिया है और जो हम जानना चाहते हैं। जी, जैसे यह यात्रा जाने हुए से जानने की ओर है, ज्ञात से ज्ञेय की ओर है। जी जी, जैसे जी, बच्चा या बच्ची अनार को जानता है। जी, जी, ये ज्ञात है। जी, और जी, उसमें निहित जो वर्ण है जी, वो उसके लिए अज्ञात है, उसकी ओर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। शब्द संदर्भ से जुड़े होते हैं इसलिए वे अर्थपूर्ण होते हैं। शब्द संदर्भ से जुड़े होते हैं इसलिए वो निरर्थक नहीं हो सकते। इसीलिए लगभग सभी भाषाओं में सार्थक और निरर्थक शब्दों का विभाजन है। वैसे कोई भी शब्द निरर्थक कैसे होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके वर्ण सही होते हैं, इसलिए वो गलत नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कोई अर्थ न दे लेकिन गलत नहीं हो सकता इसलिए, क्योंकि उसमें आप कुछ वर्णों का, किसी न किसी भाषा के वर्ण का उपयोग करते हैं। तो सीखे हुए वर्णों से नए नए शब्द बनवाए जाते हैं। जब पढ़ाई लिखाई की हम बात करते हैं तो ये मानते हैं कि जितने शब्द बच्चे बनाएंगे उन वर्णों से उतना ही वर्ण पर उनकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। जैसे कल, मल, नल आदि, जो हम लोगों के बचपन की जो किताब थी मनोहर पोथी, यदि आप उसको याद करें जी, तो उसमें भी इस तकनीक का उपयोग कमोबेश किया गया था। और उत्तर भारत की तो एक बड़ी पीढ़ी है जिसने वर्णों के सहारे या शब्दों के सहारे भाषा को वाया मनोहर पोथी सीखा है। ऐसे ही भाषाओं में वर्ण संरचना की समझ बनती है, जैसे अंग्रेजी में बुक, स्कूल, पेन, बैट जैसे शब्द में शामिल अल्फाबेट का विभिन्न संदर्भ में समझा जाना। इससे विभिन्न व्याकरणिक पदों जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म, वचन, विशेषण आदि की समझ की यात्रा भी धीरे धीरे पूरी होती है। यानी व्याकरण वर्ण से अब हम व्याकरण की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्वनि संरचना के बाद हमारी चर्चा का विषय होगा वाक्य संरचना। इसी तरह वाक्य संरचना की प्रक्रिया भी संपन्न की जाती है, जैसी अभी हमने ध्वनि संरचना की बात की। इस विधि में सार्थक वाक्यों द्वारा पढ़ना सिखाया जाता है या सीखने का माहौल बनाया जाता है। वाक्य संदर्भ से जुड़कर अर्थ निर्माण करते हैं। जैसे लाठी शब्द के तीन प्रयोगों के द्वारा बने विभिन्न अर्थ देखिए। वह उसके बुढ़ापे की लाठी है, वह लाठी टेक कर जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ तीनों में एक लाठी है और उसके तीन अर्थ हैं। यानी संदर्भ जैसे ही बदलता है लाठी अपना अर्थ बदल देती है। तो संदर्भ महत्वपूर्ण है वाक्य में भी, जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की। पहले वाक्य में लाठी का अभिप्राय सहारा है, दूसरे में उपकरण और तीसरे में सामर्थ्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में सामर्थ्य है। लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया आड़ी तिरछी रेखाओं से शुरू होकर प्रतीकात्मक चित्र होते हुए स्ववर्तनी निर्माण से गुजरकर स्वाधीन लेखन तक पहुंचती है। यह सीखे गए वर्तनी शब्द, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह आदि समस्त व्याकरणिक अवधारणाओं की सामासिक समझ से निर्मित होती है। वाक्य संरचना से आगे बढ़ने पर हम संवाद संरचना की बात करते हैं। संवाद के दरमियान हम कई तरह की प्रक्रियाएं एक साथ कर रहे होते हैं। जैसे बोलने से पहले हमारे दिमाग में योजनाएं बनती हैं कि हमें किसके सामने क्या कहना है और कैसे कहना है। यानी संवाद एक संरचित, जिसको यूं कहिए कि बहुत ही बढ़िया से योजित या नियोजित की गई बातचीत है, कि हम पहले ही ये तय करते हैं कि किससे बातचीत करनी है। जैसे यहाँ अभी बातचीत करते हुए जिस तरह के संवाद की आवश्यकता में हम और आप हैं जी, और अभी इस कमरे से बाहर जाके जिस तरह का संवाद हम और आप करेंगे, निश्चित तौर पर दोनों में फ़र्क होगा और दोनों की तैयारी में फ़र्क होगा।
जी यहाँ आने की तैयारी और कमरे के बाहर जाकर अनौपचारिक संवाद की तैयारी में निश्चित तौर पर फर्क होगा। जब कोई बात हम अपने दादाजी को कहेंगे, इसे इस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि जब कोई बात हम अपने दादाजी को कहेंगे और वही बात अपने दोस्त को कहने में हमारी भाषा में बदलाव आ जाता है। दादाजी जो बड़े हैं तो ऐसे ही संबोधन बदल जाएगा, और वही बात दोस्त को कहनी हो तो अलग तरह के की वाक्य संरचना हो जाएगी और संवाद का तरीका बदल जाएगा। हमारा वाक्य विन्यास, शब्द वाक्य रचना किस प्रकार किया जाए, इस पर विचार कर रहे होते हैं हम संवाद में। किस तरह के शब्द, किस तरह के वाक्य और वाक्य की संरचना क्या होगी। संवाद के समय इन तीनों पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, विशेष करके शब्द चयन पर। कैसे शब्द का हम चयन कर रहे हैं, जिनके साथ बातचीत करनी है, जिस फोरम पर हमें अपनी बात रखनी है, जिस मंच पर हमें अपनी बात कहनी है, जिस कक्षा में हमें अपनी बात कहनी है, वहाँ के कमोबेश, मतलब जो जिनके साथ हमें संवाद करना है, उसको यदि हम ध्यान में नहीं रखें तो ये चूक हो जाने की संभावना है कि हम संवाद के प्रति न्याय न कर सकें या सार्थक संवाद न कर सकें। जी, तो यह जो संवाद संरचना है भाषा में, यह एक अनिवार्य तथ्य है। इसे एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मैं आज घर देर से आऊँगा, माँ नाराज होगी और मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा। संवाद में शामिल इन तीनों वाक्यों की बनावट सरल है। यदि इन वाक्यों को इस तरह से बोला जाए तो ठीक से समझ में आ रहे हैं और इनको बोलना भी आसान है। लेकिन अगर इन वाक्यों को एक दूसरे पर निर्भर कर दें तो बोलते समय योजना बनाने वाली प्रक्रिया को बारीकी से देख पाएंगे। जैसे यदि मैं आज भी घर देर से गया तो माँ नाराज हो जाएगी और या तो मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा या मैं किसी दोस्त के घर चला जाऊँगा। उल्लिखित वाक्य में यदि में तो यदि पर आश्रित है। इसी तरह या के साथ एक और या का आना भी जरूरी है। साथ ही माँ के संदर्भ में जाएंगी और अपने संदर्भ में जाऊँगा होना ही पड़ेगा। अस्पष्टता है, यह पूरा वाक्य इसकी हूबहू ध्वनि और लक्षणों के साथ बोलने से पहले ही हमारे दिमाग में बन चुका होता है और यह एक योजनाबद्ध क्रम में ही बनता है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि हमें बातचीत करते समय योजना बनाते रहना और बोलते रहना जरूरी है। बोलने के दौरान ये प्रक्रियाएं इतनी तेजी से होती हैं कि हमें इनका आभास तक नहीं होता। संवाद में विचारों और भावों के अनुकूल सही शब्दों का चयन एवं सही व्याकरणिक संरचना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्याकरणिक संरचना से मतलब है कि हिंदी भाषा में वाक्य की रचना कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया से होती है। बोलने से पहले हमारे दिमाग में योजना बनाते समय यह संरचना सही सही बनती है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में हाव भाव एवं विचारों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। संवाद के समय ध्वनियों के उतार चढ़ाव, विराम एवं लय भी अर्थबोध में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वाद विवाद, भाषण, वक्ता द्वारा प्रश्न पूछवाना जैसी क्रियाएं अधिगम प्रक्रिया में शामिल कर संवाद कौशल हासिल किए जा सकते हैं। जी, यह जो पूरी बातचीत अभी हम लोगों ने की और इसमें विभिन्न व्याकरण की प्रक्रियाओं को जाना, वास्तव में इसको जब हम किसी भाषा के मानकीकरण की बात करते हैं या मानकीकृत भाषा की जब बात करते हैं, उसके संप्रत्यय के रूप में भी, उसके आरंभिक तत्व के रूप में भी हम इन चीज़ों को देखना चाहते हैं। आज का जो हमारा विषय था इस चर्चा का, वह इस भाषा व्याकरण और मानक भाषा के इन संप्रत्ययों पर केंद्रित था। जी, बहुत बढ़िया ज्ञानदेव जी, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बारीक तरीके से और खूबसूरत तरीके से बहुत सारी व्याकरणिक अवधारणाओं के बारे में हमें जानकारी दी। इससे निश्चित ही हमारे श्रोता और दर्शक लाभ उठाएंगे और व्याकरण के जितने पद हैं, जैसे आपने बताया कर्ता, क्रिया, कर्म, क्रिया विशेषण, ये विराम चिन्हों का प्रयोग, उसमें और भी तरह की संरचनाएँ, इन सब की तरफ हमारा ध्यान आपने आकृष्ट किया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्ण विधि के द्वारा, शब्द विधि के द्वारा, वाक्य विधि के द्वारा व्याकरण की हमारी समझ किस तरह से बन सकती है, इस पर आपने प्रकाश डाला। और आपने ये बहुत खूबसूरत बात कही कि इन सबों के मायने तब हैं जब उन्हें संदर्भों में समझाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आपका भी, आप सबका धन्यवाद।